नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मत चित्ता मतगत प्राणा बोधयंत परस्पर। भगवान कहते हैं कि जब भक्त एकत्रित होते हैं तो मेरे विषय में मेरा गुणगान करते हैं, मेरी कथाओं का, मेरे नाम का, और वही बात श्रीमद्भागवतम में माता देवहूति भी कहती है। और वो भगवान का श्रवण कीर्तन नाम रूप गुण लीला का जो हमको अवसर मिला है उनका कोई एकमात्र कारण हो तो वो है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी। गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों के द्वारा जो शिक्षा है उनको यथारूप प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया और पूरे जगत का उद्धार करने का पूर्ण प्रयत्न किया है। तो वही इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे गुरु शिष्य परंपरा के एक आचार्य जिनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर के दिव्य भाव को, उद्गार को, कि नरोत्तम दास ठाकुर जी का भगवान कृष्ण के प्रति क्या भाव था, क्या प्रेम था, और उनके माध्यम से जीवों को कुछ संदेश देना चाहते कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, भक्ति, शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करें। तो हम कई दिनों से, कई समय से श्रवण कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर के उद्गार को। तो आइए और आगे हम बढ़े थोड़ा। पिछले प्यार में, पिछली त्रिपदी में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ज्ञान और कर्म का त्याग करना है और शुद्ध भजन का उपदेश दिया। और इस त्रिपदी में जो भी हम पढ़ेंगे उसमें हम चर्चा आगे करेंगे क्या कहना चाहते हैं। उससे पहले हम उस त्रिपदी का थोड़ा गान कर लें। अन्य अभिलाष छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरी काय मन करिबो भजन साधु संग कृष्ण नाम साधु संग कृष्ण सेवा न पूजिबो देवी देवा ये भक्ति परम कारण। अन्य अभिलाष छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरी काय मन करिबो भजन साधु संग कृष्ण सेवा न पूजिबो देवी देवा भक्ति परम कारण। और एक बार
अन्य अभिलाष छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरी काय मने करिबो भजन साधु संग कृष्ण सेवा ना पूजिबो देवी देवा ये भक्ति परम कारण। यहाँ नृत्तम दास ठाकुर जिस शुद्ध भक्ति की शास्त्र बात करते हैं, आचार्य बात करते हैं, गुरुजन बात करते हैं, शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करें उसके विषय में चर्चा किया है। यहाँ नृत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि जीव का जो परम लक्ष्य है, जिसको बोलते हैं पंचम पुरुषार्थ, जो है कृष्ण प्रेम। चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन इन चारों का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण प्रेम। मोक्ष मतलब मुक्ति, मतलब क्या है मुक्ति? मतलब हम भगवान की शरण में जाए, वो सबसे बड़ी मुक्ति है। तो पंचम पुरुषार्थ की यहाँ बात कर रहे हैं। और एकमात्र साधन क्या है उस पंचम प्रेम, उस शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन है, क्या है? तो कहते हैं अन्य अभिलाष छाड़ी। अन्य अभिलाष, कोई भी प्रकार की अभिलाषा इच्छा नहीं होनी चाहिए, है ना। ये स्थिति तो मतलब आने में बहुत हमको प्रयत्न, भक्ति, भजन, भक्तों का संग, उनका आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। और जब तक व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तब तक इस नश्वर दुखदायी संसार से व्यक्ति, इस दुखदायी शरीर से छूट नहीं पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो कहते एकमात्र साधन वो है अन्य अभिलाष छाड़ी ज्ञान कर्म परिहर। अन्य अभिलाष को छाड़ना है, ज्ञान और कर्म को भी छोड़ना है। ज्ञान कर्म लेना है, ज्ञान कर्म भी करना है, लेकिन वो किस रूप से लेना है उसकी भी चर्चा करेंगे हम आगे बढ़कर। तो यहाँ पहले हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ कहते हैं नृत्तम दास ठाकुर की के साधन के, साधक के हृदय में शुद्ध निरुपाधि भक्ति से ही प्रेम का उदय होता है। निरुपाधि, यहाँ शब्द दिया निरुपाधि, कोई उपाधि नहीं होनी चाहिए। और जब तक उपाधि है व्यक्ति के अंदर शुद्ध भक्ति प्रकट नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत प्रयत्न करता है भजन का, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट्स रहता है, जो कमी रहती है, उनके कारण वो उस भक्ति के लेवल को आगे पुश नहीं कर पाता है। तो ऐसा पॉइंट, ऐसा भी पॉइंट होता है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति आगे जो प्रोसेस होने वाली है उसके लिए ये बाधा है। लेकिन वो भी बाधा समाप्त हो सकती है जब वैष्णव भक्तों की, गुरु की कृपा हो, दीक्षा शिक्षा से हो सकता है। निरुपाधि मतलब यहाँ भक्ति सामो सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इंडियन हूँ, मैं इसका पति हूँ, इसका बाप हूँ, इनका पुत्र हूँ, इस फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनी हूँ, अनेक प्रकार की उपाधि है इस भौतिक संसार में। वो समस्त उपाधि को छोड़ना है और एक उपाधि को प्राप्त करना है। रूप गोस्वामी कहते हैं कौन सी उपाधि? तो कहते कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, समस्त प्रकार की उपाधि को छोड़ दो। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम, जब ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो तत्परत्वेन निर्मलम, उसका जो हृदय है, मन है, वो निर्मल हो जाएगा। बहुत मुश्किल है मतलब ये निरुपाधि शून्य होना, उपाधि शून्य होना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब कोई व्यक्ति साधक बहुत अच्छे भाव से, शुद्ध भाव से, ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेता है, ध्यान पूर्वक पठन करता है शास्त्रों का, और ध्यान पूर्वक गुरु वैष्णव की आज्ञा का पालन करता है, धीरे 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 वो व्यक्ति अपने आप वो टेस्ट को लांघता जाएगा और अपने आप वो वैराग्य आएगा, सब कुछ छूट जाएगा, उनको
अलग से कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है वो अपने आप में पूर्ण है, और जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो व्यक्ति के अंदर कितने भी दुर्गुण है वो भक्ति जो है वो भक्ति के प्रभाव से वो दुर्गुण, वो जो उपाधियां है वो अपने आप छूट जाएंगे, छोड़ने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी ने जब विदेश में गए तो प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा कि आप ये छोड़ो, कभी नहीं कहा। प्रभुपाद जी को पता था भक्ति अपने आप में पूर्ण है, इससे छुड़ाने की जरूरत नहीं है। वो जैसे हरि नाम लेंगे, जैसे ही कथा श्रवण करेंगे, वैष्णव भक्त गुरु में श्रद्धा होगी, अपने आप ये सब कुछ छूट जाएगा। और ऐसे हुआ, कभी प्रभुपाद जी ने कहा ये छोड़ो, है ना, फोर्स कभी नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद जी ने एक ही काम किया है, उनको भक्ति दिया। तो यहाँ रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि तब वो व्यक्ति निर्मल होगा, है ना। तो निर्मल होगा कैसे होगा, तो कहते ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश भगवान का नाम है जो इंद्रियों के स्वामी है। जीव को अपनी समस्त इंद्रियों से ऋषिकेश की सेवा करनी पड़ेगी पूर्ण रूप से। कैसे? अन्य अभिलाष छाड़े, दूसरा कुछ नहीं, ओनली कृष्ण ही एक मेरे आश्रय है, उनके अलावा कोई मेरा नहीं है। उस अभिलाषा के द्वारा कोई व्यक्ति अगर कार्य करता है, भक्ति करता है, तो कहते हैं कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्त। वो उपाधियों से, इस संसार की उपाधि के कारण व्यक्ति फंसा हुआ है, है ना? चिंता, दुख, कभी मान कभी अपमान, झगड़ा, अनेक प्रकार के द्वंद्व में वो फंसा हुआ है, तो सब कुछ से वो निर्मल हो जाएगा। लेकिन कब? जब ऋषि कहना, मतलब अपने इंद्रियों को ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगाएगा। और खास करके भक्तिरों सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते कि जीवा, जीवा को लगाओ। कलयुग में जीवा मतलब हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिह्वा से जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है, वो सब कुछ धीरे धीरे होता है, उसको रुचि आती है पढ़ने में, भक्तों के संग में। याद रखना चाहिए कि हम कुछ भी करें, प्रभुपाद जी एक कॉमन बात कहते कि भक्तों के संग में, भक्तों के संग में व्यक्ति छूटा, समझो कि उनकी भक्ति जो जो भी करता था वो तो कुछ छूट जाएगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी कहते कि हमको क्या करना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो उपाधि से जब तक व्यक्ति शून्य नहीं होता है, तो जिस चीज को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, जो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, क्या है? भक्ति, शुद्ध भक्ति। वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा जब तक वो उपाधियों से विनिर्मुक्त न हो जाए। और उपाधियों से विनिर्मुक्त होने के लिए रूप गोस्वामी पाद इसका सोल्यूशन देते हैं कि भगवान की भक्ति करना, मतलब अपनी इंद्रियों को, आंख कान को, नाक को, पैर को, हाथ को, आदि समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना। जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित हम इस उपाधियों से अपने आप धीरे 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 निर्मल हो जाएंगे, और फिर एक ही उपाधि रहेंगी जो हमारी वास्तव में सच्ची उपाधि है, जो मनुष्य भूलकर इस संसार में सड़ रहा है। हम सब क्या कर सड़ ही रहे हैं ना, क्यों? उसका कारण यह है कि हम भगवान को भूल गए। अपनी सच्ची उपाधि है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान के दास हैं, उस नाते हम सब भगवान के हैं। वो सब कुछ भूल जाने के कारण व्यक्ति यह दुखी हो रहा है। तो जैसे ही वो व्यक्ति अपनी ये सब उपाधि से छोड़ देगा, तो वह पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त किया। यहाँ कि कहा है भक्ति की दो उपाधि है। अब थोड़ा ध्यान से श्रवण करेंगे, थोड़ा सा ऊंचा बात का, ऊंचा नहीं है, मतलब भक्तिरंग सिंधु से ही लिया है, उसकी बात कर रहे हैं हमारे नरोत्तम दास ठाकुर। तो भक्ति की दो उपाधि है, एक उपाधि है अन्य अभिलाष, और दूसरी उपाधि है के अन्य मिश्रण। अब दोनों को हम समझते हैं, अन्य अभिलाष क्या है और अन्य मिश्रण भक्ति क्या है। पहला है अन्य अभिलाष। अन्य अभिलाष मतलब दो चीजें हैं उसमें, एक तो भोगवांछा और दूसरी है मोक्षवांछा। भोगवांछा, भोग करना, किसका भोग करना? इस संसार का भोग करना, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, पैसे चाहिए, इससे मैं ये करूंगा, वो करूंगा, प्रकृति पे प्रभुत्व जमाना, भोग करना चाहता है। लेकिन याद रखना चाहिए व्यक्ति भोग कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि
भोक्ता एक ही है भगवान श्री कृष्ण। व्यक्ति खुद भोग करने की चेष्टा करेगा तो एक बात मैं कहता हूं कि व्यक्ति कहते हैं कि मैं भोग 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 रहा हूं, पत्नी को, बच्चों को, मेरे धन संपत्ति को, सबको मैं भोग रहा हूं, मैं धनी हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं सब कुछ भोग रहा हूं। लेकिन याद रखना चाहिए हमारा जीवन नश्वर है, शरीर भी नश्वर है, इससे समय समय जाते ही जिस शरीर से हम भोग कर शरीर क्षीण हो जाएगा। तो समझना चाहिए कि प्रकृति को हम भोग रहे थे या अभी प्रकृति हमको भोग गए, मतलब प्रकृति द्वारा हम भोगे गए हैं, क्योंकि प्रकृति का चक्र चल रहा है, उसके अंडर में हम कार्य कर रहे हैं। प्रकृति हमारी आदेश से नहीं चलते, प्रकृति भगवान की शक्ति है और भगवान के आदेश से चलेगी, और वो प्रकृति के द्वारा हमको चलना पड़ेगा, प्रकृति के तीन गुण के द्वारा, कर्म है सब कुछ। लेकिन मूर्ख मनुष्य अहंकार के द्वारा समझता है कि मैं भोगता हूं, लेकिन भोगता वो नहीं है, मतलब भोग भोग वासना। और दूसरा कहते हैं कि मोक्ष वांस, मोक्ष मतलब इस संसार से परेशान हो गया, ज्ञान हो गया कि संसार शरीर नश्वर है, हम आत्मा है, शरीर नश्वर है, तो हमको क्या करना चाहिए, नश्वर संसार से मुक्त होना चाहिए और भगवान की निराकार पासा में हमको जाना चाहिए। ये क्या है, मोक्ष वांछा। इससे प्रभुपाद जी कहते कि दोनों भोग वांछा और मोक्ष वांछा, वो दोनों जो इच्छा करता व्यक्ति क्या क्या उनको क्या होता है, तो कोटेशन देके कहते हैं कि मुक्ति भुक्ति कामे सकल अशांत, वो सब अशांत रहते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त होता है बिंदास, अतएव शांत, बिंदास रहता है। तो यहां अन्य अभिलाष जो है वो एक तो भोग वासना युक्त भक्ति, भोगी भोग भोगी मतलब भोग वासना युक्त भक्ति, जिसको बोलते सकाम, उसको दूसरी भी कामना है तो अन्य अभिलाषा नहीं हुआ ना, भक्ति कर रहा है लेकिन क्या है उनको भोग की भी इच्छा है, दोनों दोनों साइड उसने पैर रखा है, तो दोनों तरफ जो पांव रखेगा तो उसको क्या बोलते हैं सकाम, उसको दूसरी भी कामना है, सकाम भक्ति कर रहा है वो। तो दूसरी है मोक्ष कामना युक्त, मतलब केतो युक्त, केतो मतलब मुक्ति, मुक्ति मुक्ति की अभिलाषा है, ये सब अभिलाषा से ऊपर उठना है और एक ही अभिलाषा करते हैं कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करना ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन ये अभिलाषा का छोड़कर कोई व्यक्ति सकाम, कोई व्यक्ति मुक्ति की कामना करता है, कोई व्यक्ति देवी देवताओं के लोक में जाने की कामना करता है, कुछ भोग की कामना करता है, तो इसको अन्य अभिलाष कहा गया है। दूसरा है जैसे हम एग्जाम्पल लें, जैसे नौ स्कंद में भागवतम में हमारे मुचकुंद महाराज है, मुचकुंद महाराज जब स्वर्ग में गए, बहुत बार मैं कह चुका हूँ लेकिन अभी आया है टॉपिक तो ले लेता हूँ, मुचकुंद महाराज स्वर्ग में गए देवताओं से युद्ध करने के लिए और देवताओं के पक्ष में रहकर असुरों से युद्ध करने के लिए, तो उसी समय जब युद्ध हुआ देवता जीत गए, मुचकुंद महाराज ने देवता को जिताया और फिर इंद्र ने बोला कि अब मांगे क्या चाहिए, वरणम वरम ब्रणेश्वर भद्रम तेरिते केवल अद्यय, अब वर मांगे लेकिन मुक्ति के अलावा कुछ भी मांगे, मुक्ति मतलब मुक्त मतलब भगवान के धाम, वो उस अर्थ से कि भगवान के धाम जाने के अलावा कुछ भी मांगे, क्योंकि वो कौन दे सकता है, तो कहते वो एक भगवान विष्णु एव न संशय, भगवान के अलावा कोई वो वर को नहीं दे सकता है। तो यहाँ जो है वो मुचकुंद महाराज जो है वो वहां मुक्ति की बात जो हो रही है वो है भगवान के धाम की बात हो रही है। और दूसरा है अन्य मिश्रण, अन्य मिश्रण का अर्थ यहाँ नृत्यदास ठाकुर कहते हैं कि कर्म और ज्ञान से अनावृत, यहाँ कहते हैं ना कि ज्ञान कर्म परिहरी, ज्ञान कर्म को छोड़ना है, इसलिए इससे यहाँ अन्य मिश्रण, अन्य मिश्रण नहीं होना चाहिए ज्ञान और कर्म, लेकिन ज्ञान और कर्म जो भक्ति की बाधा बन रहे हैं भक्ति में उसकी बात कर रहे हैं, तो उनको कह रहे हैं कि जैसे यहाँ कर्म का अर्थ दिया गया है तो वेद है, वेद में कर्म है मतलब नियत कर्म, नैमित्तिक कर्म, दान देना, व्रत,
तपस्या आदि जो कर्म है उसको बोला गया है कर्म। लेकिन वो जो दान है, व्रत है और तपस्या है, वो अगर दान अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा के लिए दे रहा है, व्रत रखता है, जैसे जन्माष्टमी है, एकादशी है, रामनवमी है, नरसिंह चतुर्दशी है, वो सब भगवान के लिए जब व्रत रखता है तो वो कर्म अनुकूल है भक्ति के। यहां प्रतिकूल कर्म की बात करें, जो भगवान के प्रतिकूल, प्रतिकूल कर्म कौन से, तो के मोक्ष वांछा, मतलब भगवान के ब्रह्म स्वरूप में लीन होना, मुक्ति, तो वो सब मायावादी जो है कर्म, मायावादी जो कर्म करते हैं उससे दूर रहना। तो यहां कर्म मतलब दान, व्रत, तपस्या अगर भगवान के लिए किया जाता है तो कर्म अनुकूल है। लेकिन अगर वो कर्म जो हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए नहीं है, अपनी भोग वांछा के लिए, कुछ और कार्य के लिए है, उच्च लोक को प्राप्त करने के लिए कर्म है हमारा, तो वो कर्म को छोड़ना है, वो अन्य अभिलाषा नहीं है। और जब हम वो नहीं छोड़ेंगे तब तक हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए कर्म एक प्रतिकूल है और एक अनुकूल है। तो यहां प्रतिकूल कर्म को छोड़ने की बात किया है, और दूसरा है यहां ज्ञान। तो ज्ञान कौन सा हमको नहीं लेना चाहिए, तो बोले निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान। जो ब्रह्म जीव है वो ब्रह्म की ओर जाता, मतलब ब्रह्म मतलब निराकार है ना, यहां दो शब्द के निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान। तो वो ज्ञान हमको भक्ति में अवरोध है, वो ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। वैसे ज्ञान तो चाहिए ना, हम सब भक्ति में लगे उनका कारण क्या है, ज्ञान। कोई भक्त से श्रवण किया, ज्ञान आया कि हाँ कृष्ण परम पुरुष है, हम उसके दास है, भगवत गीता से श्रवण किया, वो ज्ञान हम आया तब भक्ति मिली, तो ज्ञान अनुकूल है, तो उनको लेने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। तो ये ज्ञान, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म मेरा ही पासा है, लेकिन वो पूर्णता नहीं है। इससे जो व्यक्ति ब्रह्म में लीन होने का ज्ञान प्राप्त करता है, मायावादी जो ज्ञान प्राप्त करता है वो भक्ति के विरुद्ध है। और जो व्यक्ति मायावादी, इससे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी जो है उनका संग छोड़ना चाहिए, हर हि सर्वनाश, मायावादी का संग करोगे तो नाश हो जाएगा आपकी भक्ति का। तो यहां वही कहते कि ब्रह्म मेरा स्वरूप है, निराकार ब्रह्म, लेकिन वो पूर्णता नहीं है। शुद्ध भक्ति आपको प्राप्त करनी है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है और पूर्ण पूर्णता है, और वहां तक पहुंचना है तो ये ज्ञान को, निराकार ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को छोड़ना है। लेकिन अगर भक्ति के अनुकूल, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता में जो भक्ति के अनुकूल ज्ञान है उनको ग्रहण करना है। तो दोनों मैंने आपको समझा किसको, जैसे भगवान से कृष्ण अर्जुन जो है, वो अर्जुन ने 12वें अध्याय में प्रश्न किया। अर्जुन कहता है कि एवं सतत युक्ताये भक्त्यास्ताम परिउपासते ये चाप्य अक्षम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। हे प्रभु, मुझे आप बताइए कि कोई व्यक्ति आपके निराकार में ध्यान करता है, भजता है, और एक व्यक्ति भक्ति के द्वारा आपके सद की पूजा कर रहा है भक्ति के द्वारा, तो दोनों में आपको कौन पसंद है? तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत कहते हैं, मतलब साकार रूप आपको पसंद है या निराकार रूप, दोनों प्रश्न किया अर्जुन ने 12वें अध्याय के पहले श्लोक में। तो तुरंत भगवान उनको जवाब देते हुए कहते हैं, मय्यावेश मनो इमां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेस्ते मेते युक्ता तमाम मतं। भगवान ने तुरंत जवाब दे दिया कि अर्जुन, मय्यावेश मनो इमां नित्य युक्ता उपासते, कोई व्यक्ति मेरी नित्य उपासना करता है साकार रूप की, श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धया परियोपेस्ते, तो मुझे पसंद है। भगवान ने सीधी वहां बात बता दी, क्योंकि पूर्णता कहाँ है, मेरे साकार रूप का, जो हम त्रिभंग रूप भगवान राधा कृष्ण का जो दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, वो श्रेष्ठ, मतलब भक्ति श्रेष्ठ है, ब्रह्म में निराकार में लीन होना वो श्रेष्ठ नहीं है, वो पूर्णता नहीं है। तो भगवान ने अर्जुन को जवाब दे दिया,
लेकिन भगवान आगे भी कहा कि अर्जुन ये जो निराकार ब्रह्म है वो मेरा ही पासा है, मैं ही हूं, है ना। क्योंकि भगवत भगवान एक है, उसके तत्व तीन है, तीन रूप से हम जान सकते, ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में। तो यहां जो भगवत गीता में अर्जुन को बोला पूर्णता, वो है भक्ति, मतलब साकार रूप को, भगवान को जानना, न कि ब्रह्म परमात्मा को। तो यहां तुरंत भगवान, और भगवान ने कहा कि अर्जुन ये दोनों पास से मेरे ही है, ये तत्व में ही हूं, लेकिन पूर्णता है कि मुझे मेरी पूजा करना, मेरा नाम लेना, मेरी कथा श्रवण करना, ये पूर्णता है। तो मैं तुझे पूर्णता का ज्ञान देना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति साकार रूप से मुझे पूछेगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म में भी लीन होना चाहता है वो भी मेरा पासा है, मेरा तत्व है, वो तो अंत तो गत्व मुझे प्राप्त करेगा, लेकिन उसमें क्या है। तो भगवान कहते कि क्लेशो अधिक तदस्तेषाम आसक्त अव्यक्त आसक्त चेतसा अव्यक्त आयिकति दुःखम। अर्जुन, जो व्यक्ति उस निराकार पासा में जाने का प्रयत्न कर रहा है उसको क्या मिलेगा, अपार दुख मिलेगा, दुख के अलावा कुछ मिलेगा, और बहुत कष्टदायक है, बहुत कष्टदायक। लेकिन निराकारवादी निराकार तब तक है जब तक वो भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन नहीं कर लेता है। जिनको भगवान के नाम रूप गुण लीला का टेस्ट नहीं मिला है वो व्यक्ति निराकार में जाने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, सनत कुमार है, वो भी निराकार में थे, लेकिन वो भगवान ने उनके द्वारा एग्जाम्पल सेट किया कि उन लोगों ने जैसे सुखदेव गोस्वामी ने जैसे ही भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्लोक श्रवण किया, उनकी बुद्धि जो उसका मन है वो निराकार ब्रह्म से तुरंत हट गया और भगवान में रमने लगा, और तुरंत श्लोक के पीछे दौड़ते दौड़ते वो अपने पिता वेदव्यास जी के पास आए, और श्रीमद् भागवतम जो भक्ति का प्रतिपादन करता है, भक्ति की, भक्ति कैसे प्राप्त करते, भक्ति का सर्वोच्च है ना, वो जो प्रदान करता है भागवतम, वो भागवतम श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी का एक श्लोक के। तो भगवान के नाम गुण रूप निराकार व्यक्ति तब तक वो कार्य करता जब तक वो भगवान के नाम रूप गुण लीला को श्रवण करता है। वरहा पीड़म नटवर बपु करणयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिसम वैजयंतीं च माला रंध्राणु वैणु अधर सुदिया पुरनर गोप वृंद वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राविशत गोप कीर्ति। भगवान जा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, मोर पंख सिर पर है, वैजयंती माला पहने, आगे पीछे गाय है, गोपाल है। वो जब श्लोक श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी तुरंत भक्ति करने लगे। तो कहने का तात्पर्य कि जो मुक्ति, भुक्ति मतलब भोग, कर्म और ज्ञान से जब रहित हो जाते हैं व्यक्ति, और श्रवण भगवान के श्रवण कीर्तन आदि भक्ति में जब लगता है तो उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त होती। यहाँ वापस नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि भजनीय, भजन करने में, भक्ति करने में ज्ञान अवश्य, वो ज्ञान भक्ति के अनुकूल होना चाहिए, ज्ञान और कर्म। अन्य अभि भक्ति सिंधु में कहा गया कि अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृत, ज्ञान कर्म अनावृत, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। अनुकूल भाव से अनुशीलन करना है। अनु मतलब पूर्व आचार्यों ने जिस तरह से भगवान का पीछे चले हैं इस हिसाब से हमको आगे चले। अब देखो अनुशीलन मतलब प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति जब प्रवृत्त होता है व्यक्ति तब भी इस संसार पर, तब कायिक वाचिक और मानसिक, काया से, शरीर से, वाचा वाणी से और मन से, वो तीनों रूप में प्रकाशित होती है प्रवृत्ति, देह से, मन से और वाणी से। और जो निवृत्ति है, जब निवृत्ति हो जाए तब भी ये तीन तो रहता ही है, कायिक वाचिक और मन। जब कोई व्यक्ति भक्त भक्ति करता है तो भले ऐसा नहीं है कि भक्त भक्त मुक्त तब हो जाता है जब पूर्ण रूप से भगवान से शरणागत हो जाता है, भले वो यही है संसार में रहता, इसी शरीर में है, लेकिन जब वो पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत हो जाता है तो उनकी जो चेतना है वो चेतना डाइवर्ट हो जाती है अध्यात्म में,
भौतिक संसार में लक्ष्य मात्र भी आसक्ति या प्रेम नहीं रखता है उसको बोलते मुक्ति। मुक्ति हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति किसको बोलते हैं? जो अन्यथा दूसरे विषय हैं उनको छोड़कर वो अपने स्वरूप में स्थित होता है उनको बोलते हैं मुक्ति। तो यहां वही बात होगी, निवृत्त व्यक्ति भी इन तीन वाणी मन और शरीर के द्वारा सेवा करता है निवृत्त तर से उपगीय माना। और सुखदेव गोस्वामी कहते प्रायण अल्प प्रायण मुनियो राज निवृत्त विधिषेधत। निवृत्त होने वाले भी इस विधि का पालन करते कि अपने वाणी मन से और शरीर से भगवान की सेवा करते, उनकी चेतना में डिफरेंट हो जाता है। कब होता है? अनुशीलन, जब गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए आचार्यों के पीछे चलता है तब होता है। और आगे कहते हैं कि इस तरह से अगर कोई व्यक्ति अन्य अभिलाष छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरी कायम माने करियो भजन, अगर वो कायम नित्य इस तरह से भजन करेगा अन्य अभिलाष, किसी की अभिलाष नहीं करना है, ओनली मैं कृष्ण का दास हूं, ज्ञान कर्म जो है वो भी अनुकूल भक्ति के अनुकूल है, उनको जब वो व्यक्ति ग्रहण करेगा तो भक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा। कायम में करीब भजन, अगर नित्य भजन करेगा लेकिन साथ में क्या करना है? तो कहते हैं साधु साधु संग कृष्ण सेवा न पूजी बो देवी देवा ये भक्ति परम कारण। अब अन्य अभिलाष हम चले, ज्ञान कर्म को छोड़ दिया जो प्रतिकूल है, अन्य अभिलाष को भी छोड़ दिया, ओनली कृष्ण का भजन कर दो, लेकिन भजन करते करते परिपक्व होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते साधु संग कृष्ण सेवा, साधु का संग बहुत जरूरी है। साधु संग सर्वशास्त्र कहें लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, क्योंकि उनके संग में रहेंगे तो नित्य हमको वही साधु जन भक्त जन हमको याद दिलाते रहेंगे कृष्ण की कथा कृष्ण का नाम कृष्ण की सेवा, और उसमें हम लगे रहेंगे तो जो अन्य अभिलाषा की पूर्णता है वहां तक हम पहुंच पाएंगे और शुद्ध भक्ति हमको प्राप्त होगी। साधु संग कृष्ण सेवा ना पूजी वो देवी देवता, देवी देवता का पूजा नहीं, वो अन्य अभिलाष में आ ही गया लेकिन अभी फिर भी वो एक्स्ट्रा कह रहे हैं। वो अन्य अभिलाष जब शब्द आता है तो उसमें बोल सकते हैं कि देवी देवता की अभिलाषा नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ वो परिपक्व करने के लिए तीन चीज कहते हैं साधु संघ में कृष्ण सेवा, और उस साधु संघ से ज्ञान प्राप्त कर कर भक्ति प्राप्त कर कर हमको क्या करना है? पूजी वो देवी देवा ना पूजी वो देवी देव, यही भक्ति परम कारण, यही भक्ति का वास्तव में कारण। तो आइए हम थोड़ा सा उनके विषय में श्रवण करें। हम यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अनादि काल से जीव भगवान से विमुख है। जब चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि जीव कितने समय से भगवान से विमुख है, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कोई वर्ष नहीं दिए, उनको बोला अनादि काल से। अनादि काल से जीव भगवान से विमुख हो हुए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में अनेक योनि में गधे कुत्ते देवताओं की मनुष्यों की अनेक योनि में भ्रमण करता करता कर रहा है जीव। तो कहते हैं कि लेकिन जब कोई जीव अगर भक्तों के सन्मुख हो जाए, साधुओं के सन्मुख हो जाए, तो जो करोड़ों जन्म से जो भटक रहा है जन्म मृत्यु जरा रह से, वो श्रृंखला उनकी समाप्त हो जाएगी। एक नदी के समान है, वहां इस नदी में जैसे चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि ब्रह्मान भ्रमिते कौन भाग्य के हो तरे, नदी ते प्रवाह जाने काष्ट लागे तीरे। जिस तरह से नदी में काष्ट लग रहा तैरता तैरता जा रहे एन कन प्रकार वो किनारे पर आ जाता है, वैसे ही जीव भ्रमण कर रहा है जन्म मृत्यु 84 लाख योनि में, लेकिन एन कन प्रकार के साधु का संग हो जाता है तो किनारे पे आ जाता है, उनको मार्ग मिल जाता है भगवान की भक्ति करने का, भगवान के धाम में जाने का। तो एकमात्र कारण है साधु संग। और आगे कहते हैं कि कर्म संस्कार के दूषित से जीव
करोड़ों जन्म से कर्म संस्कार, उसके कर्म ऐसे हैं तो कर्म के द्वारा कार्य करता है, वापस पाप करता है, वो चक्र चलता रहता है। उस दूषित हुए जीव राग देश द्वेष से पूरित है, मतलब कहीं आसक्त हो जाता है, किसी की ईर्ष्या करता है, तो उस आसक्ति में और ईर्ष्या निंदा में वो व्यस्त है। तो उससे मुक्त होने के लिए साधु संग ही उनका उपाय है, भक्तों का संग। जो भी व्यक्ति बड़ा बड़ा भक्त बना है, चाहे कोई भी हो, उसका कारण क्या है? बड़ा साधु बन गया, उसका कारण क्या है? अपने आप बन गया है? नहीं, उनका कारण उनको भक्त का संग मिला है, भक्तों का संग। सुकृति भी तभी उनकी प्रकट होती है जब साधु को संग मिलता, साधु का दर्शन करता है। जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि जब इतने बड़े नारद बन, उसका कारण क्या है? भक्ति, भक्तों का संग, वेदांतियों का संग हुआ, अपनी माता की कृपा से, माता के साथ जब वो सेवा कर रहे हैं, उनके द्वारा वो नारद बने। तो यहाँ बहुत व्याख्या है, भागवतम पढ़ोगे तो अनेक लोगों ने साधु संग के द्वारा है ना वो सही डायरेक्शन में चले गए हैं और भगवान को प्राप्त हुए। नारद मुनि ने अनेक लोगों को संग दिया है, नारद मुनि के संग के द्वारा अनेक लोग है ना, अब नाम देने की जरूरत नहीं, आप सब जानती हैं, ध्रुव, प्रहलाद, प्राचीन परिषद, वाल्मीकि आदि जो भी हैं, वो सब ने संग के द्वारा प्राप्त किया है शुद्ध भक्ति को। इससे ये जो साधु होते हैं, करुणा सिंधु होते हैं, दया सिंधु होते हैं, है कृष्णा करुणा सिंधु, कृष्ण करुणा सिंधु है भक्त को, है ना, वांछा कल्पतरुभ्यश कृपा सिंधु, कृपा का सिंधु कहा गया है। तो जब कोई व्यक्ति साधु संग करता है तो नवधा भक्ति को प्राप्त होता है और धीरे धीरे उसकी निष्ठा, रुचि, आसक्ति जो है वो भक्ति के प्रति होती है, जो नव भक्त भजन के नव स्टेप है उसमें अग्रसर होता है। आदु श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, रुचि निष्ठा आसक्ति भाव प्रेम, वहां तक वो पहुंच जाता है। लेकिन मैं पहला क्या है? साधु संग में श्रद्धा या श्रद्धा से साधु संग, वही उपाय है, उसके द्वारा व्यक्ति स्पीड पकड़ता है। तो इसे प्रभुपाद जी हमारे सभी तात्पर्य में बार बार कहते हैं कि भक्तों के संग में रहकर ये जो भक्ति के ये जो अंग है उनको संपन्न आप अच्छी तरह से भली भांति कर सकते हो, है ना। इसलिए भक्तों का संग बहुत अनिवार्य है। कोई व्यक्ति अगर भक्तों के संग में दूर चला जाए, तुरंत वो बोलता है प्रभु जी डाउन हो गए, 16 माला से 12 10 में आ गया, कोई भाव नहीं आ रहा, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन जैसे वो व्यक्ति वापस भक्तों के संग में आ जाएगा तो वापस वो प्रोसेस चालू हो जाएगी, वो समझ सकते व्यक्ति कोई भी। तो भक्त संग बहुत जरूरी है। और जब पंचम पुरुषार्थ जो है वो साधु संघ के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो यहाँ कहते हैं कि साधु संघ में कृष्ण सेवा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भक्तिस्तु संगवत भक्तम संगेन परिजायते, सत्संगम प्राप्यते पुंभि सकृते पूर्व संचित। कोई व्यक्ति अगर पूर्व सुकृति है और पूर्व सुकृति वाले को सत्संग मिलता है तो व्यक्ति निश्चित है ना भक्ति में आगे बढ़ता। लेकिन और सुकृति भी कहते हैं कि सत्संग कम मिलता है जब पुण्य की पूजी हो, पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता सत्संगति संश्रुति करता, नहीं मिल सकती उनको, है ना। मतलब सत्संग चाहिए सुकृति वाले व्यक्ति को ही, भगवान की कृपा होती है उनको सत्संग मिलता है, और या तो भक्तों की कृपा होती है या भगवान की कृपा होती है, उनके पुण्य उनकी सुकृति होती है तो उनको सत्संग मिलता है, है ना। इससे साधु संघ की महिमा है। श्रीमद् भागवतम में एक ही श्लोक दो जगह पर, एक तो शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं और एक श्लोक एक बार शिव जी बोलते हैं 34 स्कंद में। शिव जी कहते तुलियां लवे नापि न स्वर्ग न पुनर्भव भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। कहते कि स्वर्ग और मोक्ष की कामना से भी बढ़कर भक्त का संग है। तुलियां लवे नापि,
एक क्षण भी भक्त का संग हो गया तो स्वर्ग में जाने से अपेक्षा और मोक्ष की अपेक्षा से भी श्रेष्ठ है भक्तों का संग। क्यों? क्योंकि भक्त जो है वो भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करता है और पूर्णता को प्राप्त कराता है। पूर्णता क्या है? भगवान की प्राप्ति को। तो बहुत सुंदर, यहाँ शिव जी खुद अपने मुख से बोले हैं कि भक्तों का संग, और वो भी जब भी फ्री होते हैं, अगर घर पे है वो, घर तो है ही नहीं उनको, वो जब भी है तो साधु संत आते हैं और कहते हैं कि शिव जी आप कथा सुनिए, तो राम कथा श्रवण कराते हैं, खुद वक्ता बन जाते हैं। जब कोई नहीं है तो खुद अपनी पत्नी को, पार्वती को, सती को लेकर कहाँ जाता है? कुंभज ऋषि के पास, और वहां श्रोता बन जाते और श्रवण करते। यही काम है श्रवण कीर्तन। भक्तों का संग चाहिए किसको? शिव जी को भी। इसलिए शिव जी श्लोक बोले, तुल्याम लवे नापी, एक क्षण पर भी भक्त का संग हो गया उनके सामने मोक्ष स्वर्ग कुछ नहीं। बहुत सुंदर व्याख्या, भागवत सभी वेदों का सार है और सुंदर सुंदर बात की। अगर हम ध्यान से उसको पढ़े, अगर पढ़ नहीं सकते तो हमको ऐसे भक्तों का संग करके उसे श्रवण करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि भज इत्येवे धातु सेवायाम परिकीर्ते। साधु संग में दो कार्य होते हैं, एक तो कृष्ण की सेवा और दूसरा है कृष्ण भजन। दो कार्य होते हैं और कहते हैं कि ना पूजी वो देवी देवा, और अंत में आते हैं ना पूजी वो देवी देवा। अब देवी देवता की पूजा क्यों करते हैं लोग? तो यहां एक शब्द दिया है, अनन्य भक्ति जो है उनको हानि पहुंचाने वाला है। अनन्य भक्ति नहीं है अगर देवी देवता का पूजा करते, भक्ति करते, अनन्य भक्ति है ही नहीं। और अनन्य भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति से ही भगवान प्राप्त होते हैं। निष्काम, कोई कामना नहीं, ओनली भगवान की कामना। अर्जुन को बहुत सारे ज्ञान ने वही बात बोले, भगवान निष्काम हो जाए अर्जुन, तो बुद्धि के द्वारा निष्काम हो, बुद्धि योग तू पालन कर और पूर्ण से मुझे शरणागत हो जाए अंत तक। और भगवान ही उनको उपदेश दिया, भगवान वही पूर्णता है। तो यहां कोई व्यक्ति देवी देवता की इच्छा करता है तो अन्य अभिलाषा नहीं है, भक्ति में हानिकारक है। और सकाम जो व्यक्ति देवी देवता की आशा रखता है उसका कारण क्या है? उनको यहां कहते हैं कि तुच्छ भौतिक फल की सिद्धि की अभिलाषा। भौतिक ना जो नश्वर है, या तो भौतिक संसार को हम छोड़कर चले जाएंगे या भौतिक संसार की चीज हमको छोड़कर चली जाएगी, दोनों में से कन्फर्म है तो नश्वर है सब। लेकिन ऐसे तुच्छ वस्तु की इच्छा करने के लिए व्यक्ति देवी देवता की पूजा करता है। और जब कोई व्यक्ति कहता है भागवत तुमने शास्त्र कहता है कि हमको भगवान के शरण में जाना चाहिए, देवी देवता भगवान के प्रतिनिधि है, वो भगवान नहीं है। और अनेक उदाहरण के द्वारा समझाते तो वो कहते हैं कि भगवान प्रभु आप कह रहे हो भगवान कृष्ण है उनके शरण में, लेकिन हम 25 साल से हमारे बाप दादा है वो किसी देवी की पूजा करके आए, अगर हम छोड़ देंगे तो देवी हमको त्रिशूल से मार देंगे, ऐसे उनको डर होता है। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा के द्वारा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। श्रद्धा के द्वारा भक्ति में आने के बाद भी श्रद्धा के द्वारे हमारे अप होते हैं हम, जितनी श्रद्धा, और श्रद्धा बढ़ती है तो ही भक्ति में आगे बढ़ सकती है। और श्रद्धा कब पड़ेगी? भक्त के संग निश्चय। और श्रद्धा बढ़ेगी, जितनी श्रद्धा बढ़ेगी आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब उपरित, सब बाकी सब सेवा के मैं कृष्ण के अलावा किसी की कामना नहीं करूंगा। श्रद्धा होनी चाहिए। जिस तरह से भौतिक व्यक्तिवादी को श्रद्धा हो गई है किसमें? देवी देवता में। और ऐसी श्रद्धा हो गई वो कृष्ण वो जब सत्य जानेंगे तो भी उनको नहीं छोड़ेंगे, उसमें श्रद्धा होगी। लेकिन नहीं मानते हो लोग। तो यहाँ कहते कि ऐसी तुच्छ इच्छा रखने वाला व्यक्ति देवी देवता की पूजा करता है और देवी देवता जो होते हैं वो कहते हैं कि उनको उनके पास तुरंत, क्योंकि देवी देवता की पूजा करेंगे तो उनकी इच्छा होती है कि तुरंत फल कौन देता है? देव देवता। इसलिए भगवान भी कहते कांक्षंत कर्मणा सिद्धि यजन्ति ही देवता, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भौतिक कर्मजा। सिद्धि भौतिक कर्म की सिद्धि तुरंत क्षिप्रम कौन देते हैं? देवता। इससे ये लोग देवता के शरण में जाते हैं। लेकिन वो सिद्धि कौन सी सिद्धि देते हैं? कृष्ण प्रेम नहीं, वो भौतिक सिद्धि देती। सिद्धि मतलब उनके विषय में भौतिक भोग, भौतिक जगत का कोई वस्तु प्रदान करते हैं तो ये लोग खुश हो जाते हैं। ये अज्ञ है, अज्ञानी है,
अभी ये 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 पूर्णता को एक चक्कर में पड़े रहेंगे ऐसे लोग। इसे कहते हैं कि न पूछी वो देवी देवा, है ना। देखो देवी देवता को यज्ञ की भगवान कहते हैं, यज्ञ करना चाहिए, क्यों? क्योंकि देव भगवान ने देवी देवता को नियुक्त किया है। अग्नि का अग्नि, अग्नि का देवता अग्नि है, जल का वरुण है ना, वर्षा का इंद्र है, वायु का पवन, ऐसे नियुक्त किए हैं। तो उनके द्वारा ये सब कुछ हमको मिल रहा है, अल्टीमेटली भगवान से मिल रहा है। जैसे भगवान कहते हैं ना कि भाई अल्टीमेटली तो आप कहाँ से आता है, मेरे पास आता है। लेकिन फिर भी भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मुझे नहीं पहचान सकता, मुझे नहीं जान सकता, वेदों में उसकी मति नहीं है, भगवत में भगवत गीता में मति नहीं है उनकी, वो समझ नहीं पा रहा है, तो भगवान उनको ऊपर उठाने के लिए भगवान कहते कोई बात नहीं, आप देव देवता की पूजा करो। क्यों? क्योंकि देवी देवता के द्वारा धीरे धीरे आप मुझे समझ पाओगे। तो कम से कम देवी देवता की पूजा धर्म में तो रह गए, है ना। तो आगे बढ़े भगवान, मतलब लेकिन फिर भी भगवान आगे एकदम क्लियर करते हैं, आपके कर्म पर ज्ञान है वो मुझे समर्पित कीजिए, क्योंकि मैं ही हूं। तो भगवान स्टेप बाय स्टेप भगवद गीता अब पढ़िए, तीसरा अध्याय एक 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 श्लोक में भगवान बहुत सुंदर सुंदर बात करते, ध्यान से श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ वही कहते कि वो व्यक्ति जो है वो क्या करता है, तो कहते देव देवता की पूजा अपनी इच्छा के लिए करता है। इसे भगवान कहते ए अपि अन्य भक्ता युजन्ते श्रद्धकान्वितकम् तेपि मामेव कौन्तेय अजन्त्य अविधिपूर्वकम्। ये जो देवताओं की पूजा करते हैं ना, वो विधि ठीक नहीं है। अल्टीमेटली सब कुछ मेरे पास से आ रहा है, तो देवता की पूजा करते हैं लेकिन वो विधि ठीक नहीं है, अविधि पूर्वक, वो विधि ठीक नहीं है। सब कुछ मेरे पास से आता है, वो समझने के लिए मैंने पूरा ज्ञान भगवत गीता में दिया, भागवत में साधु संघ के द्वारा आप सब समझ सकते हो, है ना। इससे जो व्यक्ति ऐसी नश्वर वस्तु के लिए देव देवता की पूजा करके कामना करता है, उनको परम लक्ष्य जो है वो है कृष्ण प्रेम गोविंद, नहीं मिल सकते हैं उनको, कभी नहीं मिल सकते हैं। व्यक्ति संसार में इतना आसक्त है कि आसक्ति के द्वारा वो कृष्ण की भक्ति करना नहीं चाहता है, उसकी मति भोग में लगे, कितना भी लोगों को समझाते हैं कितना भी, लेकिन फिर भी भगवत गीता सेमिनार होता है, बहुत लोग आते हैं, सबको क्लियर होता है, सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कितने लोग ज्वाइन करते हैं, मतलब कितने लोग सत्संग ज्वाइन करते हैं, रेगुलर एकदम कम, क्योंकि ज़्यादातर लोग की श्रद्धा नहीं है और श्रद्धा देव देवता में है, तो छोड़ना नहीं चाहते, भोग की इच्छा है उनको, पता नहीं इसी जो कामना है भोग की कामना देव देवता की कामना, हमको 84 लाख योनि में भ्रमण कर, और इतनी दुखदाई है सभी योनि, उसको महसूस एक भक्ति कर सकता है जो भक्ति कर रहा है, है ना। बाकी जो भोग में नियुक्त है वो व्यक्ति अज्ञान के कारण, माया के आवरण के कारण सब कुछ देख नहीं पा रहा है, लेकिन भक्त देख पा रहा है कि दूसरी योनि में कितना कष्ट है, और भगवान की कृपा से मनुष्य देह मिला, तो उस मनुष्य देह का उपयोग भगवान की सेवा में हमारे स्वरूप को जानने के लिए करना चाहिए। इससे अल्टीमेटली भगवान एक ही है, और उस भगवान की व्याख्या वेद शास्त्र में दिया गया है। समस्त देव देवता शिव ब्रह्मा सहित समस्त देव देवता वही भगवान की पूजा करते, खाली बुद्धि हमको चलाकर हमको उस ग्रंथ को पढ़ना, ऐसे भक्तों का संग करना जो ये सब कुछ जानता है, तो तुरंत धीरे धीरे हमको है ना अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे। अभी अंधकार में है संसार में लोग, लेकिन प्रकाश तब होगा जब इस तरह से वो जिज्ञासा करेंगे। अंत में नृतम दास ठाकुर कहते हैं कि मूल तो कृष्ण है, समझना ये मूल कृष्ण, यथा करो मूल निषेच नयन स्तुभ्यंती स्कंद भुजोप शाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणा तथेव सर्वम अहम अच्युतेज्या। जिस तरह से जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष फलीभूत होता है, जिस तरह से पेट में अन्न डालने से पूरा शरीर शक्तिमय होता है, वैसे जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, समस्त देव देवता प्रसन्न हो जाता है। भगवद गीता में सब कुछ निरूपण किया है भगवान ने, श्रद्धा की बात है, और श्रद्धा बढ़ाने के लिए भक्तों का संग अनिवार्य है। अंत में सार रूप में नरसिंह दास ठाकुर कहते,
यही भक्ति परम कारण कहते हैं कि ज्ञान और कर्म जो प्रतिकूल है भक्ति के उसको छोड़ना है, अन्य अभिलाषा है वो उसको त्याग कर, अन्य अभिलाषा जितनी भी उसको त्याग करना है, एक ही अभिलाषा करनी है कृष्ण, अन्य देवी देवता की पूजा को त्यागना है, साधु संग में रहना है, इसको बोलते अनन्य भक्ति। साधु संग में रहकर ज्ञान कर्म को त्यागना है जो भक्ति के प्रतिकूल है, अन्य अभिलाष को छोड़ना है, भगवान के अलावा कोई अभिलाष नहीं। तीसरा कहा गया कि समस्त देवी देवता जो भगवान के प्रतिनिधि हैं तो उनको पूजने की जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट आप भगवान को पूछते हो देव देवता अपने आप प्रसन्न रहेंगे और आपको जो भी चाहिए वो अपने आप हो, देव देवता प्रसन्न होकर आपको, देव देवता की जरूरत नहीं है, भगवान की शरण में गए तो देव देवता के, भगवान कहते कामो काम सर्व कामूंगा, सब कुछ मैं प्रदान करूंगा। इसी साधु संघ में रहकर कायिक वाचिक और मानसिक शरीर से मन से और वाणी से भगवान की नित्य सेवा करने, जीव के परम पुरुषार्थ क्या है, पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, यही परम कारण है। अगर आप साधु संघ में रहकर ये सब कुछ कार्य करते हो और जीवन का परम कारण परम लक्ष्य है वो है भगवान की प्राप्ति करना, तो सबसे निवेदन है कि हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए। शास्त्र एकदम क्लियर है क्या करना है क्या नहीं करना, विशेष विधि निषेध सब कुछ दिया गया है, अगर हम शास्त्र को नहीं फॉलो करेंगे, विधि निषेध का फॉलो नहीं करेंगे तो व्यक्ति कुछ भी करेगा निश्चित कंफ्यूज रहेगा कि क्या हो क्या रहा है, समझ में नहीं आएगा और अंत में चिंता दुख उपाधि से बस ऐसे ही लड़ता लड़ता अंत में मृत्यु को प्राप्त होगा, और मृत्यु के द्वार जैसे मृत्यु आएंगी उनको तुरंत दूसरी योनि में प्रवेश करना पड़ेगा जैसा उसने कर्म किया है, क्योंकि भगवान की शरण तो ली नहीं है तो निश्चित उनको कोई नीची योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। इससे भगवान ने ये मनुष्य देह है वो बहुत बहुत कीमती है और भगवान की कृपा से गुरु की कृपा से साधुओं की कृपा से मिला है, तो इनका उपयोग अच्छी तरह से करना चाहिए और उनका अच्छी तरह से उपयोग, इस शरीर की पूर्णता वही है कि हम भगवान के अंश है, आत्मा है और भगवान के अंश होने के कारण हम हमारा स्वरूप है भगवान की सेवा करना और भगवान की शरण में जाकर भगवान को जानकर नित्य भगवान की पूजा अर्चना करना, भगवान के आदेशों का पालन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।